Hey everyone, welcome to the session. This is Deepika Awasthi. I welcome all of you to learn all the important grammar rules. तो इस टॉपिक में आपने एक वर्ड फोकस किया होगा इम्पॉर्टेंट, राइट? तो एग्जैक्टली ऐसे क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आज हम करने वाले हैं, जो इससे पहले आपने शायद नहीं किए होंगे? तो ऐसा कोई नया रूल तो नहीं है, बट येस, बहुत सारी ग्रामर बुक्स में ये आपको 100 से ज़्यादा रूल्स मिल जाएंगे, बट एग्ज़ाम्स, एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स या कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स की जो हम तैयारी करते हैं, तो कुछ 20 से 25 30 रूल्स ही चेक किए जाते हैं. सो दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ फॉर बिगिनर्स हु आर स्पेशली लर्निंग ग्रामर और वॉन्ट टू लर्न ग्रामर फॉर कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स, राइट? उनके लिए ये सेशन है. ऑल्सो इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली सेशन रैदर देन समवन हु इज़ एडवांस्ड लेवल, बिकॉज आपको ये रूल्स तो पता होंगे ही होंगे, बट इनको किस तरह से चेक किया जाता है आप उसका रिविजन डेफिनेटली मेरे साथ इस पर्टिकुलर सेशन में कर सकते हो. बिफोर वी रियली स्टार्ट एवरीवन, आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू अ क्वेश्चन. क्या सिर्फ ग्रामर के अगर हम सारे रूल्स जान लेंगे तो क्या उससे हमारे सारे आंसर सही आ जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज ऐसा कई बार होता है विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि उन्हें ग्रामर रूल्स तो बहुत आते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे ग्रामर के वीडियोज देखे हैं, बहुत सारे बुक्स रीड किए हैं, बट फिर भी कई बार सब कुछ सही नहीं होता है. तो ऐसा क्यों? क्या कुछ और भी है जो हमें पता होना चाहिए ग्रामर के अलावा? तो पहले तो ग्रामर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आएगा, आप बेसिकली आप रीड ही नहीं कर पाओगे, तो आगे ग्रामर रूल्स कैसे अप्लाई कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल हियर. लेट्स ईट बिली. तो मैं यहाँ बोल रही हूँ बिली को खा लेते हैं, बट नहीं, मेरा मतलब है हे बिली, लेट्स गो आउट एंड ईट, या लेट्स ईट समथिंग, कुछ लेट्स ईट लंच. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव लंच. तो मीनिंग एक्चुअली कुछ और है जो एक कॉमा मुझे लगाना पड़ेगा टू कन्वे दैट मीनिंग, इज़न्ट इट? सो ग्रामर अपने आप में 70-80% इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग अ लैंग्वेज, टू स्पीक और जस्ट फॉर एनी एप्टीट्यूड एग्जाम. नाउ कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन कि क्या सिर्फ ग्रामर से हो जाएगा? नहीं, सिर्फ ग्रामर से नहीं होगा. आपको ग्रामर के अलावा और दो चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि मेनली मैं इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करूँगी. वो क्या है? मीनिंग. जब तक आपको एक सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ आएगा, यू मे अप्लाई रॉन्ग ग्रामर रूल्स. और हाउ डू इवन नो विच रूल टू अप्लाई, है ना? ऊपर लिखा तो नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट हम चेक कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर, राइट? एक चीज़ को बोलने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं, बट वॉट इज़ द राइट स्ट्रक्चर? कई बार लोग अपनी लोकल लैंग्वेज को ही उस तरह से वर्ड बाय वर्ड कनेक्ट करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ यू नीड टू और यू शुड स्पीक आइडियली, इज़न्ट इट? सो इन तीनों चीज़ों पे फोकस करेंगे हम आज के सेशन में, ग्रामर, मीनिंग एंड स्ट्रक्चर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मॉडिफायर प्लेसमेंट. अब जो वर्ड मॉडिफायर है, इसका मतलब क्या होता है? चेंज, है ना? मैं आप किसी टेलर को बोलते हो, ये थोड़ा सा जो आपने सिला है कुर्ता, ये थोड़ा मॉडिफाई कर दो, इसका डिज़ाइन मॉडिफाई कर दो, मतलब चेंज कर दो. सो मॉडिफायर यहाँ पे ग्रामर में किस तरह से चेक होता है और ये क्या रूल है? सो मॉडिफायर मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस. फ्रेजेस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे, किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हो, उस इन्फॉर्मेशन को हम मॉडिफायर बोलते हैं. ना मॉडिफायर प्लेसमेंट का रूल है कि आपको सब्जेक्ट और जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, नाउन और सब्जेक्ट और जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, इट शुड अपीयर डायरेक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आसपास होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर. रनिंग फॉर सेफ्टी, ये क्या एक इन्फॉर्मेशन है? हु इज़ रनिंग फॉर सेफ्टी, ड्रैगन और टाउन्स पीपल? टाउन्स पीपल आर रनिंग फॉर सेफ्टी, तो आइडियली ये जो सब्जेक्ट है ये इधर होना चाहिए, टाउन्स पीपल. सो यस, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, रनिंग फॉर सेफ्टी द टाउन्स पीपल फ्रेड फ्रॉम द चेजिंग ड्रैगन. तो ये सही हुआ, इज़न्ट इट? बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत दूर दूर है. नाउ लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस इन 3 मोर एग्जाम्पल्स. ये प्लीज़ ध्यान से सुनना क्योंकि इसके बाद मैं आपका एक 5 क्वेश्चन का छोटा सा क्विज लूँगी ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. वैगिंग इट्स टेल. अब टेल मतलब लाइक यू नो, टेल किसकी होगी इधर पे? वैगिंग इट्स टेल, राइट? ये एक इन्फॉर्मेशन है. पपी की होगी. अब पपी जो इन्फो है वो कितना दूर है अपने सब्जेक्ट से, है ना? तो इट शुड बी आइडियली द पपी ग्रीटेड एलिसन, इज़न्ट इट? द पपी ग्रीटेड एलिसन, ऐसा ही होना चाहिए. ओके, द एक्टर यूज्ड मेकअप, अ मैन इन हिज अर्ली 30s. तो एक्टर कॉमा अ मैन इन हिज अर्ली 30s और फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन आएगी, यूज्ड मेकअप टू अपीयर ओल्डर फॉर हिज रिसेंट रोल. आई रिपीट, द एक्टर कॉमा अ मैन इन हिज अर्ली 30s कॉमा used makeup to appear older for his recent role. Third example, the stadium was renovated in 2015 where the football team plays. कहाँ खेलती है 2015 में? खेलती है नहीं, the stadium.
सो द स्टेडियम वेयर द फुटबॉल टीम प्लेस वॉज रेनोवेटेड, फिर जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाद में आएगी, वॉज रेनोवेटेड इन 2015. करेक्ट एवरी वन. नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. एग्जाम्पल वन, द जिराफ स्लीप फॉर ओनली 30 मिनट्स ईच डे, ऑफन इन टॉल ग्रेसफुल इंटरवल्स ऑफ जस्ट अ फ्यू मिनट्स. अगर आप नोटिस करो, प्लेसमेंट ऑफ टॉल एंड ग्रेसफुल इज रियली चेंजिंग इन ऑलमोस्ट एवरी ऑप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करना क्या है, अगर आपको लगता है ये सेंटेंस अपने आप में सही है, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप ऑप्शन ए चूज़ कर सकते हैं, नो चेंज. पर अगर आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ऑप्शन बी सी डी में से आपको एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. सो टॉल एंड ग्रेसफुल यहाँ पे क्या होगा या कौन होगा, इट हैज़ टू बी जिराफ, इट कांट बी 30 मिनट्स और डे और इंटरवल्स, इजंट इट. सो ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाता है, राइट. वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द ओशियन अ सी स्लग. सी स्लग मतलब एक तरीके का सी एनिमल समझ लो आप, इन सिंपल वर्ड्स. सो ओशन कोई सी एनिमल नहीं है, तो अपने आप में ऑप्शन ए गलत हो जाता है. करेक्ट, ओशन कंटेन्स ब्लू ड्रैगन. वॉट इज ब्लू ड्रैगन, राइट, इट्स अ सी स्लग, यही एक सी. तो ये जो सब्जेक्ट और उसकी इन्फॉर्मेशन है इतना दूर दूर क्यों है, तो ये भी गलत हो जाता है. द ओशन कंटेन्स द ब्लू ड्रैगन न्यूडीब्रांच अ सी स्लग, राइट, दैट स्टील सिंगिंग सेल्स फ्रॉम इट्स प्रे. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आसपास है, तो ये ठीक होगा. द ओशन विद स्टील स्टिंगिंग सेल्स, ओशन इज नॉट स्टीलिंग एनी स्टिंगिंग सेल्स, करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. When newborn parents or children find an animal stranded without its mother, they sometimes bring it home to take care of it. तो मतलब जब parents को या उनके बच्चों को कोई एक animal मिलता है, like you know, animal मिलता है without its mother, तो वो उसे, तो आप कोई बड़ा animal तो ले नहीं आओगे कि भाई ये अपने mother के बिना, चलो घर ले जाते नहीं. एक छोटा animal, एक newborn animal जब आपको मिलेगा तभी आप उसको लेके आओगे, isn't it? So B, a lot of people quickly like end up choosing this क्योंकि newborn children है. But newborn children, for example, 1 month old baby है या 6 months का भी है, चलो वो थोड़ी ना बाहर जाके एक एनिमल को लेके आ पाएगा. सो इट डज नॉट मेक सेंस. मीनिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज मच एज ग्रामर, एवरी वन, राइट. सो जब पेरेंट्स या चिल्ड्रन को एक न्यू बॉर्न एनिमल मिलता है विदाउट इट्स मदर, तो वो उसे ले आते हैं. अगर आप फोकस करो तो न्यू बॉर्न का ही जो प्लेसमेंट है वो हर जगह पे चेंज हो रहा है. तो न्यू बॉर्न आइडियली मीनिंगफुली एनिमल के लिए आना चाहिए, यस, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, स्टूडेंट्स हु फ्लुएंटली लर्न टू स्पीक अ सेकेंड लैंग्वेज रिसीव स्पेशल ऑनर्स व्हेन दे आर ग्रांटेड हाई स्कूल डिप्लोमास. यहाँ पे फ्लुएंटली की प्लेसमेंट अगर आप देखो तो दैट इज चेंजिंग. अब फ्लुएंटली एग्जैक्टली कहाँ आना चाहिए, दैट यू हैव टू फिगर आउट. सो फ्लुएंटली अगर आप सोचो तो वॉट डू वी डू फ्लुएंटली, आई स्पीक फ्लुएंटली, कैन यू रन फ्लुएंटली, कैन यू गिव समथिंग फ्लुएंटली, नो यू कॉन्ट ग्रांट एनीथिंग फ्लुएंटली, isn't it? Are fluently granted? No. Right? You can only speak fluently. So they learn to speak this language, second language, first language, whatever language is fluent. They learn to speak fluently. You don't fluently learn to speak. Right? Why not A? Main agar bolun, I fluently learn. Ya chalo, I fluently speak, for example. And I speak fluently. तो इनमें से कौन सा सही है, राइट. एल वाई वर्ड्स हमेशा वर्ब, ये वर्ब है आपका. अब उसके बाद आप डिस्क्राइब करोगे हाउ डू आई स्पीक, आई स्पीक क्विकली, आई स्पीक फ्लुएंटली, आई स्पीक स्लोली, कैसा कैसा बोलती हूँ, वो आप फिर बाद में उसको डिस्क्राइब करोगे, इजंट इट. सो आई स्पीक दिस लैंग्वेज फ्लुएंटली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट, ऑल्दो फेलिक्स डिड हिज बेस्ट टू ट्रेन देम एज पोस्टल वर्कर्स, हु डिड ही ट्रेन, किसको ट्रेन किया गया है, राइट. सो आप देखो क्या वो डिलीवरीज को ट्रेन करेगा, नहीं. मेल को नहीं, ऑर्डर्स को नहीं. कैट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, हाँ, उनको एज पोस्टल वर्कर्स, एटलीस्ट इन चारों में तो यही बेस्ट लग रहा है ना, ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एवरीवन, वर्ब टेंस. अब टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस तो सारे ही जगह पूछा जाता है, किसी भी आप एग्जाम में देख लो आपको टेंस पूछा जाता है. टेंस में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, पहले तो वर्ब्स, राइट. फर्स्ट, वर्ब्स कैसे होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई. अगर मैं बोलती हूँ आई एम टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल, तो टीचिंग तो मेन वर्ब है ही, आई एम सिंगिंग, आई एम प्लेइंग, तो ये तो मेन एक्शन, मेन वर्ब है ही.
बट एम भी एक तरीके का वर्ब है जिसको हम हेल्पर वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे बोलते हैं, राइट. अगर मैं बोलूँ आई वॉज टीचिंग या आई विल टीच, ये सारे वर्ब्स को जिससे हम मुझे टेंस पता चलता है कि प्रेजेंट है पास्ट है, उन सब वर्ड से को भी, जिन वर्ड से पता चलता है उन सब वर्ड्स को भी हम हेल्पर वर्ब्स बोलते हैं. अब टेंस मेनली तीन टाइप का होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और ये फर्दर डिवाइड होता है 12 टाइप्स में, सिंपल पास्ट, राइट, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस. आप इसे प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस कुछ भी बोल सकते हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करता. अब अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो मेनली तीन तरीके के टेंस ज़्यादा चेक होते हैं. दैट इज़ आई टेल यू राइट नाउ. दैट इज़ आई रैन, आई हैड रन एंड आई हैव रन. अगर आपको इन तीनों में डिफरेंस पता है तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो आप सही से अटेम्प्ट कर पाओगे और आपका आंसर सही होगा. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बोलूँ आई हैव डन सम वर्क, ये आप तब बोलोगे जब आपके एक्शन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट में भी हैं. अगर आपने मुझे कल बोला था कि मैम आज आप ग्रामर पढ़ा देना, तो बोलूँगी सी आई हैव डन द वर्क, क्योंकि कल बात कल हुई थी पर वो अब आज उसका इफेक्ट है, आज हो रहा है, उस पर डिस्कशन हो रहा है. सो जब आपके एक्शन के इफेक्ट्स कंटिन्यू रहते हैं आप आई हैव डन बोलते हो. या एक और एग्जांपल देती हूँ, आई हैव डिसाइडेड टू वर्क हार्ड दिस ईयर. तो इस साल अभी उसका इफेक्ट रहेगा, मैं और पर मैं डिसाइड कर चुकी हूँ मैं पिछले हफ्ते, इजंट इट. आई रैन फॉर एग्जाम्पल, ये व्हेन देर आर नो इफेक्ट्स, when action is absolutely done and dusted, right. For example, the baby cried last night, right. Baby last night roya, तब तो उसका आज से क्या लेना देना है, isn't it. कोई लेना देना नहीं, हो चुका है ये. I had run, you say had run when there are two past actions, for example one and two, and had will come with first action, दूसरा जो action होगा simple past में होगा. मैं इसका आपको एक example देती हूँ. For example, if I say, अगर आप आज क्लास में लेट आए हो तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैड स्टार्टेड द क्लास, आई हैड स्टार्टेड व्हेन यू एंटर्ड, जब आप आए. तो दोनों चीज़ें पास्ट में हैं, राइट. आप आ भी चुके हो और मैंने स्टार्ट भी कर चुकी, पर क्योंकि ये पहले हुआ फिर आप आए तो ये सिंपल पास्ट होगा, और जो पहले हुआ है दैट विल टेक पास्ट परफेक्ट और हैड. ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट पे हम थोड़े से रूल्स चेक करते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ याद रखनी है, टेंसेस अ लॉट ऑफ टाइम्स रेगुलर और बेसिक रीडिंग, सिर्फ अगर आप ध्यान से सेंटेंस को रीड कर लो तो भी आपका आंसर सही आ जाता है, राइट. स्पेशली एट अ बिगिनर लेवल. आज हम क्या कर रहे हैं, बिगिनर लेवल के जो भी शुरू कर रहे हैं उनके लिए हम रूल्स सारे कवर कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ये वाले दो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हम इस पर आएंगे. एंटार्क्टिक पर्लवुड, अब ये क्या चीज़ है पता नहीं, पर ये सिंगुलर है ना, एक ही चीज़ है, प्लूरल तो लग नहीं रही है. पर्ल, एंटार्क्टिक्स या पर्लवुड्स, अ लो ग्रोइंग श्रब, ओके, श्रब मतलब फ्लावर, तो मतलब ये एक फ्लावर का नाम है. एंटार्क्टिक पर्लवुड, अ लो ग्रोइंग फ्लावर विथ कैरेक्टरिस्टिक येल्लो फ्लावर, जिसमें किस तरह के फ्लावर्स, येल्लो फ्लावर्स उगते हैं इस प्लांट में, इज़ वन ऑफ द टू नेटिव फ्लावरिंग प्लांट्स विच वॉज, है ना, ये सब्जेक्ट मेन अपना सिंगुलर, वॉज अकरिंग और विच अकर्स, या तो मैं बोलूँगी अकर्स इन, क्योंकि सब कुछ बाकी प्रेजेंट टेंस में भी है, इज़, तो मुझे इसको भी प्रेजेंट टेंस रखना पड़ेगा. बिफोर द म्यूजियम क्लोज्ड परमानेंटली इट फेस्ड फिनेंशियल चैलेंजेस दैट इंक्लूडेड अ लार्ज डेफिसिट एंड डिक्लाइनिंग टिकट सेल्स, राइट. यहाँ पे हो जाएगा इंक्लूडेड, ठीक है. इस जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, एक बार इस पर हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं. बिफोर आर कॉन्वर्जेशन येस्टरडे Paul has never heard the word brouhaha. Now he hears it everywhere he goes. So अपना जो conversation है वो yesterday हुआ था, right? तो वो तो अपने आप में ही past है. And he has never heard the word brouhaha. मतलब उसने इससे पहले कभी सुना भी नहीं था, right? इससे पहले. तो कल उसने सुना है उसके पहले. तो ये तो past है. अब past के पहले जो होगा वो किस form में होगा? First past. अभी मैंने आपको सिखाया था had. So yes. Ellen DeGeneres, who had her first major debut in 1986, recently launched a new lifestyle brand. Right? So recently, कहाँ है ये है? इसकी numbering थोड़ी ठीक कर देते हैं. A, B, C, D. है ना? तो ये option हो जाएगा correct. All right. अब देखो कुछ क्वेश्चंस में आपको पूरा सेंटेंस रीड करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक मैं अगर लास्ट में ही थोड़ा पहले एक आइडिया लगा लूँ, ठीक है,
सब कुछ पास टेंस में चल रहा है, डिस्करेज ब्ला ब्ला वेंट ऑन समथिंग. नाउ हिज मोस्ट फेमस इन्वेंशन, अब हिज इन्वेंशन तो सिंगुलर ही है ना, पहली बात तो वर नहीं आ सकता है ना, वर नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए चला गया. बाकी चीज़ें पास्ट में अगर आप सेंटेंस को रीड करोगे तो वॉज इट वॉज दिस, नॉट वॉज बाय, वॉज दिस है ना, वुड फ्यूचर क्यों आएगा, एंड दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज इट मेक्स अ सेंटेंस पैसिव. करेक्ट, सो इट शुड बी वॉज. द विटनी फुटब्रिज इन मिनियापोलिस फीचर्स एन एनग्रेविंग ऑफ अ जॉन एशबरी पोएम. पेडेस्ट्रियंस कैन रीड द पोएम एज दे वॉक. अब देखो, हम फुट ब्रिज ऐसे नहीं, एक ब्रिज जिससे लोग चल के निकलते, इस ब्रिज में इट फीचर्स अ पोएम, इट शोज अ पोएम जिसको लोग रीड करते हैं जब वो वहाँ से निकलते हैं. डेली की चीज़ है, लोग रीड, जब भी लोग वहाँ से गुजरते हैं लोग रीड करते हैं एज दे वॉक. सो इट शोज अ पोएम, नॉट पास्ट और फ्यूचर, इट विल शोड राइट, इट फीचर्स प्रेजेंट. ये सब प्रेजेंट टेंस में है तो ये भी प्रेजेंट टेंस में, मीनिंग वाइज. तो कई बार टेंस में आप मीनिंग वाइज सिर्फ मीनिंग समझ के ही आंसर कर लेते हो, आपको बहुत सारे ज़्यादा रूल या टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अ सरप्राइज, यहाँ देखो प्रेजेंट टेंस चल रहा है, दैट द अमेरिकन रैपर वनीला आइस, प्रेजेंट टेंस होगा इधर पे भी. अब प्रेजेंट टेंस किस तरीके का, डज इज नॉट राइट, द ही डजेंट ओन राइट. आई गेस वनीला आइस रैपर इज डज नॉट ओन, सो आई थिंक शी राइट, इट्स अ फीमेल रैपर. ओके, प्रोनाउन क्लैरिटी, प्रोनाउन क्लैरिटी इज द आइडिया दैट अ प्रोनाउन मस्ट क्लियरली रेफर टू अ लॉजिकल एंटिटी. दिस इज अ थर्ड कॉन्सेप्ट एवर. प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक ही, शी, इट, दे राइट, फॉर एग्जाम्पल वी राइट, देम एक्सेट्रा. सो जो भी सब्जेक्ट है, एंटीसीडेंट मतलब सब्जेक्ट, ये उसके लिए यूज़ होना चाहिए. और अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आप रिपीट कर दो सब्जेक्ट, वो ज़्यादा बेटर है. इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट का यही मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ रोहन एंड सोहन वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड ही डिड नॉट लाइक द फूड, सो हु डिड नॉट लाइक द फूड, रोहन या सोहन राइट. सो रैदर यू रिपीट द सब्जेक्ट, रोहन डिड नॉट लाइक द फूड. या फिर ये एग्जाम्पल देखते हैं, वन डिफरेंस बिटवीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इज दैट दे हैव अ पील. दे मतलब हु, बोथ, या किसी एक की बात करें, प्लूरल ही दोनों सब्जेक्ट भी है, तो कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम रिपीट कर सकते हैं कि इज दैट ऑरेंजेस हैव अ पील. पील तो वैसे दोनों में है, पर कोई भी एक चीज़ आप रिपीट करो कि यहाँ पे आप एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रहे हो. जब आपके दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो डू नॉट यूज प्रोनाउन, दैट्स द रूल हियर. नाउ एलिस एंड मैरी कुडंट फाइंड हर, हर मतलब हुज, तो या तो एलिस का नाम लिख दो या मैरी का नाम लिख दो. एलिस इज टेनिस रैकेट फॉर एग्जाम्पल. When the school baseball team won, their parents threw a party to whose exactly parent? जब baseball school की baseball team जीती तो उसमें किसके, या तो team के members और students, parents, यहाँ पर कुछ आपको specify करना पड़ेगा. Their मतलब ये कुछ clear नहीं हो रहा है. When Anna set the vase down the glass table, उसने vase glass table के ऊपर रखा तो it shattered. It मतलब क्या, vase shatter हो गया या glass table shatter हो गई, तो यहाँ पर भी आपको specify करना पड़ेगा what shattered, right? So specify. Now question everyone, the underlined pronoun makes the sentence unclear, right? Ek pronoun hai underlined. Ab Paula and Mildred laughed it off when they both showed up at the office Halloween party as the villainous queen of snows from their favorite video game series. However, she told her family, Paula or Mildred, so we need to repeat the name even here, so we'll choose this one, correct? Next, Cameron and his half-brother looked very different. He had much higher cheekbones. He किसको refer करा, उसके brother को या Cameron को? तो his brother होता, our brother नहीं, his brother. तो ये होता सही grammatically. So then in that case we'll choose option B. ये tick mark थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, right? We have to repeat the subject. So इस पर आप मत ध्यान दो, just listen to my explanation. Although vacuuming and skydiving burn an equal number of calories, it is arguably more fun, right? Dono. It is matlab which one is more fun, vacuuming ya skydiving? To koi ek to repeat karoge, so option D everyone. Correct, the yellow duck and the black duck dove as in dive marna, right? Pani mein. So they dove deep into the dark water, but the yellow duck did not come up. To yahan to mujhe pata hai ki dono dive mari, पर एक येलो वाली वापस नहीं आई विथ अ फिश. सो नो चेंज, यहाँ पे सब्जेक्ट की क्लैरिटी है हमको, है ना, तो हमें कोई प्रोनाउन या कोई कन्फ्यूजन जैसी बात ही नहीं है, ठीक है.
ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज मोर कॉन्जर्वेटिव, दोनों में से ही मतलब हु, अगेन जितना क्लियर हो सके, जितना चीज द सेंटेंस इज अनक्लियर, जितना स्पेसिफिक हो सको वो. सो मैं नाम, अब आप बोलोगे नाम तो पर सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कौन, बट इन चार ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा क्लैरिटी आपको कौन दे रहा है, यही दे रहा है. तो ऑथर है वो ग्रामर का सेंटेंस कहीं से पिकअप कर सकता है जो एग्जामिनर है, फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ का थर्ड, पर उस थर्ड में भी ग्रामेटिकली आप उसको बेस्ट करेक्ट कैसे कर सकते हो, मोस्ट क्लियर. नेक्स्ट रूल एवरी वन, नॉन एसेंशियल एंड पेरेंथेटिकल एलिमेंट्स. नॉन एसेंशियल मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और पेरेंथेटिकल मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस सेंटेंस, नास्कर ड्राइवर्स लूज बिटवीन 5 and 10 pounds ऑफ वाटर वेट ड्यूरिंग ईच रेस. ये अपना है पेरेंथेटिकल या पेरेंट सेंटेंस या मेन सेंटेंस आप इसको मान लो. वेयर एज बाकी का जो सेंटेंस है जो इसमें बाकी की इन्फॉर्मेशन कॉमा के बीच में है, जिसको भी मैं कट कर देती हूँ, हुए एंड्योर इन कार टेम्परेचर ऑफ ओवर 130 degrees Fahrenheit. ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. ये सेंटेंस में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी का सेंटेंस ठीक है, अपना जो सब्जेक्ट है और जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो तो सेट है, इजंट इट. तो ये आप समझिए, अब इसमें हमें सीखना क्या है, कौन सा ग्रामर रूल सीखना है. वी हैव टू लर्न दैट जब भी आप नॉन एसेंशियल स्टेटमेंट को सेपरेट कर रहे हो फ्रॉम द मेन सेंटेंस, आपको हमेशा पंक्चुएशन यूज़ करना है. जैसे यहाँ पे दो कॉमास से आपने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आपने सेपरेट किया है फ्रॉम द मेन सेंटेंस. इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस एक देखते हैं, द अरोरा बोरेलिस मोर कॉमनली रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न लाइट इज मच बेटर नोन दैन सदर्न इक्विवेलेंट द अरोरा ऑस्ट्रेलिस. तो ये सब्जेक्ट और इसकी इन्फॉर्मेशन, राइट, ये देखो आप, ये सब्जेक्ट और इसकी इन्फॉर्मेशन ये मेन है. बाकी जो अरोरा बोरेलिस होता क्या है, इट इज़ नोन एज वॉट और वॉट नॉट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, करेक्ट. अब इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है ऑलरेडी जो हमने रीड किया वो सही है, या फिर अगर आप देखो तो दो कॉमास के बीच में है. मतलब जो भी आप एलिमेंट पंक्चुएशन यूज़ करोगे ऑन आइदर साइड ऑफ दिस नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इट मस्ट मैच. अगर आप कॉमा यूज़ करो तो कॉमा भी चलेगा, आप डैश यूज़ कर सकते हो लाइक सेकेंड सेंटेंस, राइट, एंड थर्ड आप ब्रैकेट्स या पेरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हो. बट हाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि आपने स्टार्ट तो कॉमा से किया फर्स्ट सेंटेंस देखो और बाद में मैंने डैश रख दिया या मैंने ब्रैकेट रख दिया. इट मस्ट मैच ऑन बोथ साइड्स, तीनों ही तरीके सही है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द सैंड हिल क्रेन हैज़ द लॉन्गेस्ट फॉसिल हिस्ट्री ऑफ एनी एक्सटेंट बर्ड एट 10 million years, है ना. सैंडल क्रेन की सबसे लॉन्गेस्ट हिस्ट्री है. बाकी सैंडल क्रेन कैसा है, लार्ज बर्ड, अ स्मॉल बर्ड, नेटिव टू इंडिया, नेटिव टू अमेरिका, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉमास के बीच में आनी चाहिए. तो हमें वी हैव टू पुट अ कॉमा हियर. सेंट लूसिया is the only country in the world named after a historical woman. So ये सेंट लूसिया क्या है, असोरिन आइलैंड इन द करेबियन. यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या है, डैश है, तो यहाँ पर भी हम डैश रखेंगे, कॉमा नहीं. तो जो भी आप रखो इट मस्ट मैच, राइट, बस हमें यही ध्यान रख देना है. वर्ड, अब जो भी अंडरलाइन पोर्शन है गलती सिर्फ वहीं पर होती है, मिस्टेक वहीं होती है, बाकी का नॉन अंडरलाइन पोर्शन में आप कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकते. आपको दिख भी रही है तो आपको वहाँ ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन पर ध्यान देना है, ठीक है. वर्टिगो, ये अपना मेन सब्जेक्ट है. वर्टिगो इज़ द टाइटल ऑफ अ फेमस हिचकॉक फिल्म. बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ देखो, एक कॉमा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नॉन एसेंशियल, तो वर्टिगो के बाद भी एक कॉमा चाहिए. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हवाई इज़ द ओनली अमेरिकन स्टेट दैट वॉज वंस. बाकी की एक्स्ट्रा, यहाँ दोनों जगह कॉमा लगा हुआ है ऑलरेडी, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. लाइक फिंगरप्रिंट्स, टंग प्रिंट्स आर यूनिक टू एवरी पर्सन. सो मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और टंग प्रिंट्स को कंपेयर करूँ, यहाँ पे कुछ भी नॉन एसेंशियल जैसी बात नहीं है, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, लोकेटेड इन रिचमंड कैलिफोर्निया. सो रिचमंड एंड देन कैलिफोर्निया, दो प्लेसेस हैं कि इस रिचमंड में, कैलिफोर्निया में, रिचमंड में ये एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक हिस्टोरिकल पार्क है. तो आई नीड टू हैव अ कॉमा अराउंड कॉल कैलिफोर्निया, मेन सब्जेक्ट. यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, मेन क्वेश्चन में भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इधर पे हो रहा है. सो ऑप्शन सी विल बिकम द करेक्ट आंसर. गोल्डियन फिंच चिक्स, यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, तो इधर पे भी ब्रैकेट ही होगा, इट मस्ट मैच आर ईजी टू, और फिर बाकी का सेंटेंस. सो ऑप्शन सी will be the correct answer. Now next concept everyone, logical comparison. Logical comparison as in jabhi bhi aap do cheezon ko compare karo, A is better than B,
इज लेस देन बी, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए, एज इन या तो दोनों ही चीज़ें एक पर्सन हो, आप पर्सन को पर्सन के साथ कंपेयर करोगे, दोनों ही चीज़ें थिंग या ऑब्जेक्ट हो, या दोनों ही एक एक्शन या वर्ब हो, कुछ हो जो मैच करे. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रिफर दी नॉवल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस टू थॉमस आर्टी. तो यहाँ पे आप नॉवल्स को पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हो एंड दैट्स वाई इट बिकम्स रॉन्ग. करेक्ट क्या होगा? आई प्रिफर नॉवल्स ऑफ दिस पर्सन टू दी नॉवल्स ऑफ दैट पर्सन. या फिर अगर आपको वर्ड रिपीट नहीं करना है तो आप दोस्त भी लिख सकते हो, तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट होंगे. राइट, नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द विंग्स ऑफ अ बैट, द विंग्स ऑफ अ बैट ड्यू टू द फिंगर्स दैट स्ट्रेच थ्रू देम आर मोर फ्लेक्सिबल दैन अ बर्ड. तो विंग्स को हम बर्ड के साथ थोड़ा ना कंपेयर कर सकते हैं, देन विंग्स ऑफ अ बर्ड बोलेंगे. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज देन विंग्स ऑफ अ बर्ड और दोज ऑफ अ बर्ड. लॉजिकल कंपेरिजन के कुछ हमें ध्यान देना है कि पैरेलल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए. पैरेलल स्ट्रक्चर्स एज इन अगेन, जैसे मैं यहाँ पे दो चीज़ें कंपेयर कर रही हूँ. एक्शन, इट्स रेयरली बेटर टू रन फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स दैन कन्फ्रंटिंग देम. तो ये है टू डू फॉर्म में, ये है डूइंग या आईएनजी फॉर्म में, तो दोनों ही सेम तरीके से होना चाहिए. सो करेक्ट क्या होगा? इट्स बेटर टू रन दैन टू कन्फ्रंट. तो ये हो गया पैरेलल. राइट, द ग्राउल ऑफ अ लायन इज मोर फियरसम देन दैट ऑफ अ हाउस कैट. राइट, आवाज़, दोज किस चीज़ के लिए? आवाज़, हाउस कैट की आवाज़ को आप दैट बोलोगे. हैविंग वंस ब्रेकफास्ट इन बेड इज मेसियर देन ईटिंग इट एट द टेबल. राइट, हैविंग एंड ईटिंग इट एट द टेबल. ओलंपस माउंटेन, मॉन्स एज इन माउंटेन, इज ओवर टू एंड हाफ टाइम्स टॉलर दैन माउंट एवरेस्ट. माउंटेन को माउंटेन के साथ कंपेयर करोगे, दैट ऑफ की जरूरत ही नहीं है, सो वी नीड टू सिंपली रिमूव इट. यस, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस एवरीवन हियर. हेनरिटाज फ्लॉक ऑफ बैकयार्ड चिकन्स प्रोड्यूस्ड मोर एग्स दैन हर नेबरहुड. सो इट प्रोड्यूस्ड, दीज चिकन्स प्रोड्यूस्ड मोर एग्स दैन विच चिकन्स. दैन चिकन्स को आप चिकन के साथ कंपेयर करोगे, जो कि इसी ऑप्शन. चिकन को आप नेबरहुड या सबर्ब या उसके फ्रेंड के साथ कंपेयर नहीं करोगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स टी एस एलियट्स लेटर पोएम्स आर मोर पावरफुल. लेटर मतलब जो उन्होंने अपने अपने बेसिकली लास्ट में लिखी थी अपनी लाइफ के, वो ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा पावरफुल थी एंड इंसाइसिव एज एंड शार्प थी देन हिज अर्ली पोएम्स जो उन्होंने स्टार्टिंग में लिखी थी. सो हिज लेटर पोएम्स वर मच बेटर, मोर पावरफुल दैन दोज, मीन्स अर्ली पोएम्स. राइट, सो ऑप्शन सी, हम टाइम या एनर्जी या बाकी चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. नेक्स्ट, द फॉरेन इन्वेस्टर अक्वायर्ड द लैंड फॉर पैसिव इन्वेस्टमेंट रादर दैन फॉर वट एवर. राइट, सो फॉर डेवलपमेंट. अगेन, जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, वो हमेशा सेम फॉर्म में, सेम तरीके से कंपेयर होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए. न्यूट्रिशनिस्ट डिसअग्री ओवर वेदर शुगर और ईटिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज वर्स. सो वेदर शुगर और वॉट, वेदर के बाद क्या है? ये और के बाद भी सेम चीज़ होगी. एक चीज़ का नाम है यहाँ पे ईटिंग, तो लिखा नहीं है ईटिंग शुगर, तो और के बाद ईटिंग या कंज्यूमिंग क्यों? राइट, सो जस्ट सिंपली एक चीज़ का नाम विच इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर. नाउ पैरेलल कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट रेड, जस्ट लर्न्ड इन कंपैरिजन कॉन्सेप्ट्स. कि पैरेलल स्ट्रक्चर होता क्या है? पैरेलल स्ट्रक्चर इज द आइडिया व्हेन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस आर लिंक्ड, दे शुड शेयर द सेम स्ट्रक्चर. राइट, जब भी दो चीज़ों को आप कनेक्ट करो, ए एंड बी, एंड तीन चीज़ों को भी, ए बी एंड सी, राइट, इस तरीके से. एंड के पहले, सबसे पहले तो कॉमा आइडियली आना चाहिए जब आप लिस्ट कनेक्ट कर रहे हो. पेनी लाइक्स रनिंग, बाइकिंग एंड स्विमिंग, है ना, आई एन एंड आई, इसको बोलेंगे पैरल स्ट्रक्चर. सेंटेंस रिटर्न विद पैरल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं टाइडी, एलिगेंट एंड परसुएसिव, परसुएसिव और मे बी इफेक्टिव. करेक्ट एवरीवन, सॉरी. और देख लेते हैं, अलादीन क्लोज्ड हिज आईज, ग्रिप द लैम्प एंड रब्ड with his, with all his might. There are two ways to get to the Olympics, training hard or buying tickets. Perfect. ठीक है, अब कुछ questions करते हैं based on the concept we have learned. Young children often find it easier to memorize lists of names by hearing, learning and repeat simple catchy tunes in which the list is made musical. So they by hearing, learning and repeating. Anahit seeks to gain practical experience to learn
एंड अब देखो ए बी एंड सी आइडियली तो टू बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं, बट दो में हो चुका है तो तीसरे में आप कुछ अब खुद से बदलाव या चेंज नहीं ला सकते हो, तो मुझे डी चूज करना पड़ेगा, आई कांट से अक्वायर। वैसे तो ये बेटर होता है, सीक्स टू गेन लर्न एंड अक्वायर, पर ए और बी जिस भी फॉर्मेट में होंगे आपको सी थर्ड एलिमेंट उसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग रिवाइजिंग एंड सबमिटिंग है ना आई एन जी। बियो कुड नॉट डिसाइड वेदर, अब देखो यहाँ पे वेदर और है तो वेदर के बाद ही शुड बिकम एन एस्ट्रोनॉट स्टडी मेडिसिन और ही शुड राइट द गार्बेज ट्रक। ही शुड हमें रिपीट करने की जरूरत है बिकॉज वेदर और इज अ पेयर, वेदर के बाद जैसे भी शुरू होता है और के बाद भी वैसे ही होगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एवरीवन, कन्वेंशनल एक्सप्रेशंस, एज इन इसमें कोई ग्रामर वाली बात नहीं है, कोई चीज़ है नाइदर है तो नाइदर के बाद आप नॉर ही यूज़ करोगे, आप और यूज़ नहीं कर सकते, करेक्ट। वैसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड फ्रॉम ए टू बी, आप इन वर्ड्स को ऐसे ही यूज़ करते हो। क्रिस फाउंड इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द बायोलॉजी टीचर, आई कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द चिकन एंड द फिश, है ना, ये चीज़ ऐसे ही होती है, फिक्स है। तो कन्वेंशनल एक्सप्रेशन मतलब पैटर्न्स ऑफ स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश, आपको उस सेंटेंस को उसी तरीके से बोलना है, राइट। लेट्स सी वन एग्जाम्पल, ऑल्दो द ब्लैक डायमंड्स की रन वॉज क्लियरली मार्क्ड, साइमन इंसिस्टेड दैट, है ना, इंसिस्ट के बाद हमेशा दैट आता है, नॉट इंसिस्टेड विच। द एनवायरमेंटलिस्ट स्पोक टू द ऑडियंस अबाउट प्लांट बेस्ड मीट एज एन ऑल्टरनेटिव टू समथिंग, it's an alternative to the messy toolbox was filled with a variety of hi hamesha bolte hain of ratchets and wrenches, despite having only had a few minutes to study the information packet before being rushed on stage, the younger debater showed a powerful command on the facts, a powerful command over the facts, right, a powerful command over the facts. Now next concept everyone, noun agreement. Noun agreement refers to जहाँ पे noun agrees with the meaning of the sentence. For example, from 1961 to 1989, the Berlin Wall served as barriers between the East Germany and West Germany. मतलब from 1961 to 1989, Berlin Wall क्या सिंगुलर, तो बैरियर्स नहीं, हम बैरियर बोलेंगे, राइट। सो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके आगे जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। द डॉग्स प्लूरल रैन टू द डोर एंड वैग्ड इट्स टेल, है ना, सॉरी वैग्ड देयर टेल इन ग्रीटिंग। सो यहाँ पे देयर अपने आप में करेक्ट है, या फिर तो ये सिंगुलर होता तो इट्स टेल हो जाता। जेरेमी ट्रेन्ड हार्ड एंड जस्ट लाइक हिज ब्रदर्स बिकेम स्किल्ड बेसबॉल प्लेयर। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द राइज ऑफ मील डिलीवरी सर्विस होम बाइट्स एंड द ऐप फूडी दैट अलाउज यूजर्स टू रेट आर जस्ट टू, दो हैं तो ये प्लूरल में होना चाहिए ना, इंस्टेंसेस या इलस्ट्रेशंस, सिंगुलर नहीं होगा तो ये बाकी ऑप्शंस क्यों चले जाते हैं, मीनिंग में तो सेम है पर वो सिंगुलर है, मुझे चाहिए एक प्लूरल वर्ड, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है सिंगुलर और प्लूरल का। द बेसबॉल प्लेयर सिंगुलर wished he could speak to his fans directly instead of having to address crowds of, plural, crowds of people, so crowds of representatives, that is option C everyone, right? Okay, question number 3. In 1897, Charlotte Weberg wed Arthur Sett Andrassy in an unlikely Anne, singular hai, unlikely place, so isme se kaun sa word singular hai, sirf yahi hai, so D. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एट एलिजाबेथ सिबलिंग्स बिकेम पॉलिटिशियंस, प्लूरल होना चाहिए, सो ये ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिक्वायर्स दैट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्री इन नंबर, राइट, एज इन एप्पल्स आर, करेक्ट, एप्पल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑरेंजेस। इस्तानबुल वॉज, करेक्ट, सो पर हाँ हमें ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव फैमिली, जो कलेक्टिव नाउन है फैमिली ग्रुप बंच, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। माई फैमिली ओन्स एंड ऑपरेट्स, रेकाज फैमिली ओन्स एंड ऑपरेट्स पेट स्टोर, राइट। लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल, अ न्यूपोलिटन पिज्ज़ा मेड विथ सैन मार्ज़ानो टोमेटोज इज, हमें पिज्ज़ा की बात कर रहे हैं, इज कंसिडर्ड मोर The sum of money one donates to registered non-profit organization represents a deduction. Correct? तो एक
आगे क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर वन, वी ओनली हैव 3 weeks अंटिल आर फॉल इशू गोज टू प्रिंट, सेड एलेना. अब्दुल्ला वॉज सिंगुलर. Anyone who has traveled to foreign countries understands the importance of getting immunization shots. Right? Jo bhi jata hai. So anyone is always singular. Everyone believes. So option B. Pronoun, antipronoun, antecedent means subject. Right? Pronoun subject ke hisab se hoga. For example, the vinyl record which was largely replaced by the CD has since seen a revival in its popularity. करेक्ट इन इट्स पॉपुलैरिटी. सो करेक्ट सेंटेंस ये होगा ना कि ये. सो प्रोनाउन जो भी आप इट ही शी दे यूज़ करें वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा. द हर्मिट क्रैब्स कुड नॉट फाइंड शेल्स दैट दे कुड फिट इन टू. द काउगर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल नॉर्थ अमेरिकन कैट्स हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स रेंज इन द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स. द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट who measures cholesterol levels indicate that Gerald is healthy. So results of the test which measures. चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मोटरसाइकिलिस्ट शुड इंस्पेक्ट देयर हेलमेट्स एंड चेक द मोटरसाइकिल्स टायर्स बिफोर दे राइड. है ना, दे राइड, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. A career in engineering can be very exciting. You may not enjoy the many hours of working on fine details, but you may get the satisfaction. तो मुझे you definitely चाहिए, जो कि एक ही option में given है. At a public school called Quest to Learn in New York, teachers use video games to teach because students love playing them. सो देम है तो फिर वीडियो गेम्स इज फाइन, राइट? सो नो चेंज. बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट यू क्रॉस द स्ट्रीट, यहाँ पे भी क्या होगा, यू शुड. ठीक है, ओके. अब कुछ कंजंक्शंस हम देख लेते हैं कैसे कनेक्ट करना है. रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स वाइल अनडिनाइबली वैल्यूएबल ऑफन रिजल्ट इन फॉरेस्ट विथ लिमिटेड बायोडाइवर्सिटी. रिफॉरेस्टेशन मतलब मैं बहुत सारे पेड़ लगा रही हूँ, तो हो सकता है मैंने एक ही तरीके के 100 पेड़ खरीदे और मैंने लगाए, तो उससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, वराइटी नहीं आएगी. मैंने एक ही तरीके की लगा दी, इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या कंजंक्शन, इसीलिए केयर शुड बी टेकन टू प्लांट वाइड वराइटी ऑफ फ्लोरा इन डिप्लीटेड वुडलैंड. जब भी आप लगाओ वराइटी लगाओ, इसीलिए, तो इसीलिए मतलब अकॉर्डिंगली, करेक्ट. द गाउडी हाउ हैट्रिक. हैट्रिक हम कब बोल, जब कोई भी चीज़ 3 बार कोई इंसान अच्छा कोई गोल कर लेता है, राइट, रिकॉर्ड बना देता है, समथिंग लाइक दैट. तो ये नाम हैट्रिक कहाँ से आया, गाउडी हाउ हैट्रिक. वी आर सेइंग इट कम्स फ्रॉम द हॉकी प्लेयर, अगर कोई एक गोल करे, रिकॉर्ड एंड असिस्ट एंड गेट्स इन इन फाइट ऑल इन द सेम वे, 3 चीज़ें करता है तो. एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर ग्रेट गॉडी हाई. पर्सन था हॉकी प्लेयर फेमस, उसके नाम से आया. बट हाई ओनली अचीव 2 सच, उसने एक्चुअली 2 ही सच गेम्स अपने इस तरह के प्रोफेशनल करियर में अचीव किए थे, जो कि बहुत ही कम है देन मैनी अदर प्लेयर्स उन्होंने अच्छा खेला है. तो ये क्या है, बट या डिस्पाइट द फैक्ट, मुझे एक कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर चाहिए, तो जो कि यही हो सकता है एज सच या आफ्टरवर्ड्स या एज ए रिजल्ट, तो नहीं हो सकता है, राइट. बट डिस्पाइट इंस्पाइट हाउएवर ओनली इन्हीं से आप कनेक्ट कर सकते थे. ऑल्दो वी नो द 4th planet फ्रॉम द सन एज मार्स टुडे, हम जानते हैं 4th planet को बिकॉज इट हैज़ हैड मैनी नेम्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट. सो ऑल्दो वी नो, ऑल्दो अपने आप में एक कनेक्टर, जब आप ऑल्दो से स्टार्ट कर रहे हो तो दूसरा कोई भी कनेक्टर नहीं आ सकता है उसके बाद 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए. फ्रैंकलिन स्ट्रगल्ड विथ फ्रेंच प्रोनंसिएशन, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था तो इसलिए उसके प्रोफेसर ने उसको सजेस्ट किया, ही वॉच फ्रेंच मूवीज टू बिकम मोर फेमिलियर विद द सो हिज, राइट. सो इसीलिए उसके प्रोफेसर ने बोला कि जो भी लैंग्वेज में आप स्ट्रगल कर रहे हो आप उसकी मूवीज देखिए ताकि आप थोड़े और फेमिलियर हो जाओ विद द लैंग्वेज. Some scientists propose that thumb sucking in children is a habit which is developed at birth and a recent theory. देखो कुछ scientists तो बोलते हैं thumb sucking एक बचपन की habit है, एक recent theory बोलती है it is neurologically and genetically based, right? So neurologically genetically based मतलब दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, so contrasting है, so and will not be correct, but से आप तो contrasting चीज़ों को connect करते हो.
As the hot air balloon got close to the surface of the lake, Ginger jumped and landed in the water because she could not take one more terrible joke from the pirate. वो और joke नहीं सुन सकते थे क्यों वो कूद गई land होने के पहले ही क्योंकि उसे jokes अब झेले नहीं जा रहे थे. When surfing, I don't wear shiny jewelry or bright colors so that ताकि मैं so that I don't attract sharks. So कौन सा option है ये. Now next concept everyone, possessive determiners. Whether or not you care about the babies of celebrities and royalty is your choice, right? Your इसका full form होता है you are, right? You are, not you. You're only as sick as your skin is slick, the doctor said, which I thought was a terrible love. कि skin जैसी दिख रही है आप उतने ही बीमार हो. So you are, यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ you are only as sick. So which is this, right? Not your only, you are only. The Supreme Court justices will rule later today, but for now their decision, unka decision, not they are. Iska full form I repeat again, they are. So there refers to a place, like you can go there to eat something. Aap us jagah pe us restaurant mein ja sakte ho, hai na? This refers to people. So their decision is pending, not theirs decision. Free comic book day is my favorite day. My, if not mine, favorite day. Basketball players are known for their agility and hand-eye coordination. This is not their agility. Correct. You are tested to use or not use apostrophes to make nouns plural, possessive, or both plural and possessive. So, plural nouns do not require an apostrophe. The plants in the greenhouse are thriving. तो ये इसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं. द कंपनीज मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स इंक्लूड शैम्पू एंड मॉइस्चर. तो कंपनी के, राइट, हम इस तरह से बोलेंगे. हीरोज़ के कॉस्ट्यूम, तो बहुत सारे 100 हीरो हैं तो सबके कॉस्ट्यूम, तो एस के बाद अपोस्ट्रोफ. प्लूरल में एस के बाद आया, कोई सिंगुलर चीज़ है तो अपोस्ट्रोफी एस ऐसा होगा. बस आप ये डिफरेंस देखो ना. हर्नेस्ट हेमिंगवेज नॉवल्स, उसकी नॉवल, तो ये वाला अपोस्ट्रोफी इस पर, उसकी नॉवल्स आर नोन, इसकी ज़रूरत नहीं है ना. अपोस्ट्रोफी इसका मतलब उसकी नॉवल्स, इज़न्ट इट, दैट्स नॉट नेसेसरी. इसी पोजेसिव या अपोस्ट्रोफी पे हम कुछ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेबर यूनियंस आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वर्कर्स के राइट, वर्कर के राइट्स, एक वर्कर के नहीं, जितने भी 100 वर्कर है सबके, तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी चाहिए, तो ये चला जाएगा. वर्कर के राइट्स है ना, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस चाहिए, ये भी रॉन्ग है. सी राइट्स के बाद अपोस्ट्रोफी नहीं चाहिए, राइट्स का क्या. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नो चेंज. द स्ट्राइटेड पैटर्न्स ऑफ अ केनियंस वॉल्स आर द स्ट्राइट पैटर्न्स ऑफ, ऑलरेडी है जो पैटर्न्स ऑफ अ केनियंस, अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट नीडेड देयर अगर ऑफ है तो. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग. नाउ ऑफ अ केनियन के जो वॉल्स हैं, केनियन की वॉल्स, केनियन इज अ प्लेस, बहुत सारी जगह नहीं है, राइट, एक ही जगह है, तो एस के बाद गलत होगा. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. सेरेना विलियम्स एंड स्टैन वावरिंका आर बोथ फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियंस हु टेक ग्रेट प्राइड इन देयर ट्रेनिंग. सो दिस इज दिस वन. वेनेसा एंड हेनरिएटाज लॉस्ट देयर लाइसेंसेस, अपने अपने लाइसेंसेस, राइट. When Andy said he wanted cold hard cash for his birthday, his mother's response was to give him a block of ice with dollars bills frozen inside. A full grown boa constrictor's skin sheds every 3 to 6 months. So constrictor ki skin, hum yahan ye bolna cha rahe hain, so option B. Stephen King was so poor when his first novel sold that he couldn't afford medicine for his sick children. King's first purchase. King ka. So, ye to sahi hai. Hume, right? Is tarah se to nahi chahiye. Now, confusion between its and their. To, iska full form hota hai, it is. And this is means possessive ya belonging to. Matlab, main aapko ek example de deti hu. It's a class. And मतलब इट इज़ अ क्लास एंड इट्स टॉपिक इज ग्रामर. इसका टॉपिक ग्रामर है, राइट. सिमिलरली ये तो हम देख चुके हैं, दे अपोस्ट्रोफी आर ई दे आर, देयर मीन्स प्लेस, देयर मतलब उनका, राइट, लाइक दैट.
राइट. सो इसको सॉल्व करते हैं. व्हेन इट वाज रिलीज्ड इन 1939 द विजर्ड ऑफ ओजे वाज अ कमर्शियल डिसअपॉइंटमेंट बेली मेकिंग बैक इट्स बजट एट द बॉक्स ऑफिस. इट्स राइट नॉट इट इज बजट सो इट शुड बी ITS. While their connection to major league sports is only a few decades old, the bobblehead doll has origins that stretch back centuries. So while its connection, bobblehead doll की बात कर रहे हैं, right? So its होना चाहिए ideally again उसका. Despite its name, it is name नहीं, its name. Vitamin D is not technically a vitamin. देखो इसको आप its मत ही पढ़ो, it is पढ़ो, और इसको its पढ़ो. तो देखो इट इज़ चाहिए कि इट्स उसका चाहिए. वाइल पम्पकिन स्क्वाश जुकिनी मे लुक एंड टेस्ट डिफरेंट देयर दे आर एक्चुअली सो दिस वन. नाउ लिंकिंग क्लॉजेस स्टूडेंट्स. क्लॉज क्या होता है पहले तो हम ये देख लेते हैं. क्लॉज मीन्स अ सेंटेंस विच हैज़ टू थिंग्स दैट इज अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ वर्ब और एक्शन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से where are my keys, मेरी चाबी कहाँ है. अगर आप मुझे reply करते हो on the table तो of course मुझे समझ आ गया है but ये complete sentence नहीं है. पर अगर आप मुझे reply करते हो पूरा complete sentence में keys are on the table तो इसको बोलेंगे clause. तो एक clause वो sentence में subject verb complete sentence होता है अपने आप में. अब ना दो तरह के clause होते हैं, independent clause and dependent clause. For example, independent मतलब अपने आप में एक complete sentence. Nathan went to the grocery store, right? Full stop. ठीक है, समझ आ गया. Where she bought eggs and milk. अगर मैं ये सेंटेंस हटा दूँ और सिर्फ आपको बोलूँ ये पढ़ो तो ये थोड़ा ओपन एंडेड इनकम्प्लीट सा लग रहा है. इसको एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए टू गेट कम्प्लीटेड, isn't it? सो ये हो गया डिपेंडेंट. इसको एक और इंडिपेंडेंट या एक और सेंटेंस चाहिए. अब इस पे ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन. इट इज़ टेम्पटिंग टू ग्लैमराइज द हंट फॉर डायनासोर फॉसिल्स. द मेजॉरिटी ऑफ फील्ड वर्क तो ग्लैमराइज तो कर सकते कि वहाँ कितना अच्छा लगता होगा फॉसिल्स को देखना एवरीथिंग. पर ज़्यादातर अगर आप फील्ड वर्क आप देखो इट इज़ कैरेक्टराइज बाई डेली रूटीन ऑफ हीट इंसेक्ट्स टीडियस लेबर. बहुत मेहनत काम है. तो यहाँ तो हम पॉजिटिव बोल रहे हैं पर यहाँ पर मुझे बहुत मेहनत काम है, इतना ग्लैमरस है नहीं. तो एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड चाहिए तो बट, इज़न्ट इट राइट. नाउ इसको देखते हैं. दो दे हैव बीन पोर्ट्रेड इन पॉपुलर कल्चर एज बिटर राइवल्स एंटोनियो एंड वोल्फगैंग मोजार्ट वर मोर लाइकली फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड कलीग्स राइट. सो अब इस केस में मुझे सेमी कोलन की जरूरत नहीं है. जब मैं दो से दो सेंटेंस कनेक्ट करूँगी तो कॉमा इनफ होता है. सो हाउ डू वी रियली कनेक्ट टू सेंटेंसेज इज वॉट वी आर डूइंग इन दिस कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस. दो पॉल रेवर इज बेस्ट नोन टूडे फॉर हिज मिडनाइट राइड ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन. तो अगेन दो है स्टार्टिंग में, दो ऑल दो. तो जब भी आप दो या ऑल दो से कोई दो सेंटेंस कनेक्ट करते हो तो वो सिर्फ एक कॉमा से कनेक्ट होते हैं, कोई दूसरे और कनेक्टर से नहीं. तो ये गलत है राइट. मुझे सिर्फ एक कॉमा चाहिए. ऑल्सो पॉल रेवर को वापस हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ही इज फाइन है ना. ना फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूजिंग और कन्फ्यूज्ड वर्ड्स. कई बार इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्रामर, आपको दो वर्ड्स के बीच में भी डिफरेंस पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन और चीफ, लाइक स्कूल का प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल. पर अगर आप बोलते तो मेन रीज़न लाइक यू नो आई वेंट देयर, मतलब मैं द मेन प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल रीज़न आई वेंट, तो भी मैं यही वाला वर्ड यूज़ करूँगी. इस प्रिंसिपल का मतलब लाइफ के जो अपने रूल्स हैं, लाइक माई प्रिंसिपल इज़ दैट आई नेवर लाई या आई नेवर लेट से फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू से कि आई नेवर वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ये मेरा लाइफ का प्रिंसिपल है लाइक दैट. ना कुछ वर्ड्स कर लेते हैं विच आर ऑफन कन्फ्यूज्ड अमंग स्टूडेंट्स. और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. तो जो भी दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, होमोफोन्स बोलते हैं हम इनको, मे बी स्पेलिंग कैन बी स्लाइटली डिफरेंट या उनका यूसेज भी हमें सिमिलर लगता है, वो आपको फ़र्क पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दैन एंड देन. देन होता है कंपेरिजन के लिए, ए इज़ बेटर दैन बी, यू आर बेटर दैन दिस पर्सन. देन होता है मतलब नेक्स्ट, कि ये हुआ स्टोरी में, देन दिस हैपेंड, आई स्टार्टेड द क्लास, देन यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, देन आई आंसर्ड इट, फिर लाइक दैट. मच एंड मैनी एंड लेस एंड फ्यू, इनका एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. वेन वी से मच और लेस इट इज़ अनकाउंटेबल. इफ आई से
आज आपकी तबीयत कैसी है, आज आप कैसे हो, से मच बेटर, उसे काउंट नहीं कर सकती मैं आपके कल से कितने बेटर, बट आप बोल रहे हो मच बेटर, या हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर टी, से आई वॉन्ट वेरी लेस शुगर. शुगर को आप एक एक काउंट नहीं कर सकते, राइट. पर इफ़ आई से देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, मैं काउंट कर सकती हूँ, या देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, है ना, मैं काउंट. सो ये हो गया काउंटेबल. अफेक्ट एंड इफेक्ट, राइट. अफेक्ट मतलब इम्पैक्ट होना. इफ़ somebody स्पीक्स बैड अबाउट मी, इट अफेक्ट्स मी, मुझे इम्पैक्ट होता है, मुझे बुरा या मुझे असर होता है. इफेक्ट मीन्स रिजल्ट या consequences ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ योर एक्शन विल नॉट बी ग्रेट और विल बी ग्रेट. एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. सो एक्सेप्ट मतलब मान, आई एक्सेप्ट दैट वट आई सेड वॉज रॉन्ग और वट आई सेड वॉज राइट. एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस क्लास, वी हैव वन मोर क्लास इन द इवनिंग. Access. I have access to government offices, right? Because I am a government employee. For example, if I say, so I have access. I can enter. Access मतलब extra होना. I have access of books. मैंने उसमें से आधी ज़्यादा पढ़ ली हैं. So why don't you take book from me rather than buying it? बोलूँगी भाई मेरे पास access है, extra है, तुम मेरे से ले लो, खरीदना क्यों है? Afflict and inflict. Afflicting injury and inflicting, right? किसी पे भाई, we were afflicted from COVID, right? और inflict मतलब खुद को इंजुरी या किसी को इंजुरी देना, like that, परेशान ट्रबल करना. Allude and elude. Allude and allusion, ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं, जिसका मतलब होता है हिंट. फॉर example, my friend's allusion to gift shop, कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही हूँ घूमने, उसने बोला ये देख गिफ्ट शॉप कितने अच्छे गिफ्ट्स हैं इसके अंदर. सो हर allusion to gift shop reminded me that her birthday is coming next. तो मुझे याद है कि इसका birthday है, शायद ये gift shop इसलिए दिखा रही है, right? Elude means missing or escaping. Illusion मतलब कुछ imaginary, राइट. इल्यूजन जो हम बोलते हैं, समथिंग इमेजिनरी. कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मतलब मॉरल सेंस. अगर आप कुछ गलत करते हो, आपको बुरा लगे, यू फील सॉरी अबाउट इट, सो यू हैव सम कॉन्शियंस. इफ़ यू डोंट फील बैड कि यार इसमें क्या हो गया, तो देन यू डोंट हैव कॉन्शियंस. कॉन्शियस होना मतलब अवेयर होना. कोई मुझे बोले कि मैम आपको पता है कि इसमें अभी हमें और भी रूल्स कवर करने हैं, बोलूँगी येस आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट. आज हम कर रहे हैं ग्रामर बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, और इन्हीं चीज़ों को हम एडवांस लेवल पे करेंगे, प्लस विल बी कवरिंग मोर रूल्स इन फ्यूचर. एलिसिट एंड इलिसिट. इलिसिट मतलब कुछ इलीगल, इमोरल, कुछ भी गलत करना, राइट, दैट. एंड एलिसिट मीन्स टू स्टेट, टू डिपिक्ट, लाइक दिस पर्सन हैज एलिसिटेड और सेड, राइट, दैट. Eminent means a famous person, like Prime Minister is an eminent personality, sab jante hain. Imminent means upcoming, reaching, happening soon. For example, winters are imminent. Winters bas ab aane hi wale hain na, almost thandiyan badh hi chuki hain. So imminent means upcoming or far, reaching soon. पेशेंस होना मतलब आपको थोड़ा, जब भी आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो तो एक दिन में नहीं होगा, इट मे टेक सम टाइम, वन मंथ, टू मंथ, समटाइम सिक्स मंथ्स आल्सो. सो यू हैव टू कीप सम, यू हैव टू हैव सम पेशेंस. पेशेंट मतलब बीमार, जो लोग पेशेंट हॉस्पिटल में आपको मिल जाएंगे वो लोग. पर्स्पेक्टिव एज इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको हमेशा अपना पर्स्पेक्टिव प्रोग्रेसिव रखना है, पॉजिटिव रखना है, टू बेसिकली डू थिंग्स वेल, है ना. आपने, आपका एक्शन भी अच्छा होंगे और आपके थॉट प्रोसेस अच्छा होगा. प्रॉस्पेक्टिव मीन्स फ्यूचर, लाइक किसी का फ्यूचर चांस कैसा है, कि वॉट आर योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट. तो आप आज जो मेहनत कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट डिसाइड होगा. रिस्पेक्टफुली जनरली हम लेटर के एंड में लिखते हैं ना, रिस्पेक्टफुली, सिंसियरली एंड देन अपना नाम. रिस्पेक्टिवली इज़ लाइक इफ़ आई से क्लासेज, ग्रामर, वोकैब एंड क्रिटिकल रीजनिंग क्लासेज विल बी हैपनिंग ऑन ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे रिस्पेक्टिवली. मतलब ग्रामर की ट्यूजडे होगी, वोकैब की थर्सडे होगी, लाइक दैट, राइट. इसका ये मतलब है. साइट मतलब कंस्ट्रक्शन साइट. एक प्लेस को हम साइट बोलेंगे. इस साइट को, साइट मतलब आई साइट, देखना. और ये साइट का मतलब कुछ बोलना, टू से और स्टेट समथिंग. वॉन्डर मतलब इधर उधर ऐसे ही घूमना, कि भाई इन द इवनिंग समटाइम्स आई गेट बोर्ड, सो आई जस्ट वॉन्डर इन द गार्डन नेक्स्ट टू माई हाउस, कि हम वहाँ पे बस ऐसे ही घूमते रहते हैं. वॉन्डर मीन्स, सो आई से, ओ आई वॉज वॉन्डरिंग येस्टरडे, लाइक यू नो, वेयर आर यू. सो अब मुझे आंसर मिल चुका है दैट यू ऑलवेज वॉन्डर इन दैट गार्डन, राइट. सो आई वॉन्डरिंग, लाइक आई वॉज थिंकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी वन, या इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. विथ 2297 RBI इन हिज मेजर लीग करियर, बेसबॉल लेजेंड हैंक आरॉन बैटेड इन मोर रन्स दैन, है ना, दैन, मोर रन्स दैन.
It is widely accepted that much of the bacteria in our bodies affects bacteria hai to hume does form chahiye. So affects, not effects. Marion did not intentionally lose her passport so that is loose ka matlab hoga, for example, loose clothes. Ki bhai ye kapde bahut hi loose hain, right? Maine XL, mujhe medium size kapde aate hain, small aate hain. Maine XL kapde, for example, try kiya, so they will be loose. But the person ne apna passport ghum kar diya, right? Ghum. So which will be this one? Option C. Most people don't eat the corpse. Corpse as in the center part. To usko corpse nahi, usko hum bolte hain core. कोर ऑफ दी एप्पल. बहुत लोग सेंटर पार्ट एप्पल का नहीं खाते बिकॉज वहाँ पे सीड्स होते हैं, लेस फ्लेवर होता है. सो कोर, नॉट कोट. या चोर, चोर मतलब डेली का काम, किचन का, सब्जी बनाना, बाहर जाना, कुछ लेके आना, डेली चोर्स, राइट. सो कॉप्स मतलब डेड बॉडी. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. जूली वॉज क्वाइट कन्विंस दैट हर यंगर ब्रदर जेकब हैड पोर टू मच सिरप ऑन हिज पैनकेक. सो पोर, उसने पोर कर दिया था, दैट इज दिस वर्ड. नॉट पेयर मतलब बेसिकली कम करना, राइट. पेयर मतलब अपना कोई डिक्रीज करना कोई प्रोडक्शन, लाइक आई विल पेयर द डेली प्रोडक्शन बाय 20%, मैं कम कर दूँगा, राइट. प्यूरीड मतलब चटनी, केचप. सो ये तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. रॉबर्ट बिलीव्स दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड शुड बी फैसिनेटेड बाय हिज रिसर्च प्रोजेक्ट बट नॉन साइंटिस्ट फाइंड इट अ बिट ऑफ अ बोर, राइट. बिट ऑफ अ बोर. रोमियो वॉज फेस्ड विथ अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन whether to honor his family or pursue his love, Juliet. कि वो एक लाइक ना, सो वेदर क्या ये सही है? हाँ, ये अपने आप में सही है. सो नो, वेदर नहीं, लाइक लीफ वेदर अवे ड्यूरिंग ऑटम सीजन. लीफ सूख के गिर जाती हैं. वेदर मतलब ये लाइक सीजन, दिस इज अ विंटर वेदर, राइट. आफ्टर दिस स्प्रिंग विल कम. सो नॉट एंड नॉट इवन वेन. ठीक है. सो थैंक यू एवरी वन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. वी कवर्ड सो मेनी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स एट बेसिक लेवल फॉर बिगिनर्स इन सच अ लेस टाइम. इसी चीज़ को हम एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस और करेंगे, बट इसको आप प्लीज़ ध्यान से देख लो. अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आप एडवांस लेवल क्वेश्चंस, हार्ड लेवल क्वेश्चंस कैसे करोगे, राइट. सो सी यू सून विद द नेक्स्ट सेशन एवरी वन. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस. बाय बाय.